हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल स्क इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, यह इस सीरीज की वीडियो नंबर 12 है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ऑट टू, OUGHTTO2। ऑट टू यह एक मॉडल है जिसका हिंदी मीन्स होगा चाहिए। चाहिए के लिए अपन ने दोस्तों पहले दो मॉडल और पढ़ चुके हैं। एक होगा शुड, शुड का मतलब भी होगा चाहिए। एक होगा MUST, मस्ट मीन्स होगा चाहिए, और ऑट टू मीन्स भी चाहिए। शुड को क्या करते हैं, सलाह के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई हल्की फुल्की सलाह देनी हो तो उसके लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे हमें रोज़ पढ़ना चाहिए, वी शुड रीड एवरी डे। तुम्हें सुबह दौड़ना चाहिए, वी शुड रन इन मॉर्निंग। तो ऐसी हल्की फुल्की सलाह के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। फिर आता है मस्ट। मस्ट को जो है, जो कोई काम जरूरी होता है, जरूरी करना पड़ता है, या किसी कार्य पर जोर देकर बोलना वो उसके लिए अपन मस्ट का यूज करेंगे। जैसे तुम्हें खाना खाना ही चाहिए, उसे पढ़ना ही चाहिए, उसे बोलना ही चाहिए। तो शुड को हल्की फुल्की सलाह के लिए यूज करते हैं। जब कोई कार्य को जोर देकर बोलना हो तो उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं, या जरूरी हो जो काम उसके लिए मस्ट का यूज करते हैं। और ऑट टू, ऑट टू को जो है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज करते हैं। मॉरल ऑब्लिगेशन है ना, नैतिक कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य क्या होते हैं, नैतिक कर्तव्य उसको बोलते हैं जो कार्य अपने लिए ना होकर सभी के लिए हो। जैसे देश की रक्षा करना सभी का कार्य होता है, अपने नगर को स्वच्छ रखना यह कार्य सभी के लिए होता है, और हमें अपने माता पिता की सेवा करना यह कार्य भी सभी के लिए होता है। हमें छोटे बच्चों से स्नेह रखना चाहिए, यह कार्य भी सभी के लिए होता है। तो इस तरह के मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए जो है शुड का उपयोग किया जाता है, जिसका हिंदी मीन्स होता है चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर लिखेंगे मॉडल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मॉडल के स्थान पर अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑट टू। ऑट टू होगा मीन्स चाहिए। इस तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। चलो दोस्तों, देखते हैं कि इसके सेंटेंस जो है किस प्रकार से बनते हैं। इसको जब किसी गर्ल की बात होगी तो शी का यूज करेंगे। शी ऑट टू रीड द गीता। शी ऑट टू रीड द गीता। किसी को कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए, यानी यह एक की बात नहीं है, सभी के लिए, सभी छात्रों पर यह लागू होती है। तो यह एक नैतिक कर्तव्य है सभी छात्रों का। किसी के लिए, कोई के लिए क्या बढ़ जाएगा, वन, है ना। फिर आउट, फिर आ जाएगा नोट, फिर टू, मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस का मतलब होता है शोर करना। यह एक तरह से एक फ्रेज है। फ्रेज किसको बोलते हैं, जो शब्दों का समूह होता है उसको फ्रेज बोलते हैं। जैसे शब्दों का समूह, ये भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है, यह भी एक शब्द है, एक शब्दों का समूह होता है, इसको फ्रेज बोलते हैं। तो इस फ्रेज का मतलब होता है शोर करना। वन नॉट ऑट टू मेक अ नॉइस, यानी किसी को शोर नहीं करना चाहिए। कहाँ पर, कक्षा में, तो इन द क्लास। मे के लिए जाएगा इन, द क्लास के लिए जाएगा कक्षा। किसी को भी कक्षा में शोर नहीं करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस ले लें, छात्रों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड। कड़ी मेहनत करने के लिए क्या जाएगा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब होता है कड़ी मेहनत करना, HARD, हार्ड मीन्स कड़ी मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। तो स्टूडेंट्स ऑट टू वर्क हार्ड, बच्चों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। वी ऑट टू लव अवर कंट्री। अवर यानी हमारे या अपने। अवर का मीन्स होगा हमारे या अपने, ऑट टू मीन्स होगा चाहिए, वी यानी होगा हमें, लव यानी प्यार करना। यहां पर से के लिए कोई वर्ड नहीं होगा। दूसरा, तुम्हें अपने
गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। तो तुम्हें के लिए जाएगा यू ऑट टू, ऑट टू मीन्स होगा चाहिए, है ना, और हेल्प यानी मदद करना, योर यानी अपने या तुम्हारे, योर मतलब होगा अपने भी होगा और तुम्हारे भी होगा, तो यहाँ पर अपने वर्ड निकल रहा है हिंदी में। तो योर पुअर फ्रेंड्स, तो अपने गरीब दोस्तों की या तुम्हारे गरीब दोस्तों की, यू ऑट टू हेल्प योर पुअर पेरेंट पुअर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने गरीब दोस्तों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से दोस्तों यह सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ, सब्जेक्ट मेन वर्ब, है ना, सब्जेक्ट, और पहले क्या लिखा अपन ने, सब्जेक्ट लिखा, फिर लिखा मॉडल, मॉडल के स्थान पे क्या लिखा ऑट टू, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दोस्तों यह सेंटेंस ट्रांसलेट हुआ है। दोस्तों यदि आपको शुड में, मस्ट में या ऑट टू में, तीनों में यदि कोई कंफ्यूजन है तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो एक बार और एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। दोस्तों आपने यदि पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, लिंक दे दी गई है, और वीडियो नंबर फर्स्ट से शुरू कर दीजिए देखना। और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है, ये वीडियो नंबर फर्स्ट में बताया गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप वहाँ जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में भी जाकर देखें, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी दोस्तों। तो यह हमारा वीडियो नंबर 12 था इस सीरीज का, आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा।